रायबरेली में पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत के बाद परिजनों ने हाईवे में जमकर हंगामा काटा। परिजनों व ग्रामीणों के ना मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके लाठियां बरसा दी। आपको बता दें, एक दिन पूर्व लालगंज पुलिस कस्टडी में युवक की मौत की खबर को इंडियन प्राइम न्यूज में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मामले में अपने ही अधिकारियों को समय अवधि से अधिक समय तक संदिग्ध युवक को पुलिस कस्टडी में रखे जाने को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने लालगंज थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगईस ने उक्त प्रकरण में थाना लालगंज प्रभारी को निलंबित करने के साथ दो उप निरीक्षकों जेपी यादव एवं अरविंद मौर्य के खिलाफ भी विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद कार्यवाही किए जाने की बात कही। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उप निरीक्षक जेपी यादव की गलत व्यवहार करने की शिकायत पूर्व में भी हमें मिल चुकी है। फिलहाल संपूर्ण प्रकरण की जांच एडीएम प्रशासन को दी गई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की दिशा तय होगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो कुछ लापरवाही संज्ञान में आई है कि निर्धारित अवधि से ज्यादा बिना किसी लिखा पढ़ी के यहाँ रखा गया था, उसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस कप्तान द्वारा जो दोषी एसएचओ हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और एडीएमई की अध्यक्षता में हमने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही जो पंचनामे की कार्रवाई चल रही है और रात में ही डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा इसकी वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के पश्चात दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।